विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज दोपहर 12:30 पर परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलाई। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी सहित कई नेता मौजूद थे। नए सदस्यों में जदयू, भाजपा और भाकपा के 2-2 सदस्य जीत कर आए हैं, जबकि 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय की भी जीत हुई है। जदयू से जीतने वाले में देवेश चंद्र ठाकुर और पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं, जबकि भाजपा की ओर से प्रोफेसर नवल किशोर यादव और डॉक्टर एनके यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं। वहीं लेफ्ट पार्टी से केदारनाथ पांडे और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान परिषद पहुँचे हैं। 8 सदस्यों के चुनाव में 1 निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत हुई है। बतौर निर्दलीय सर्वेश कुमार विजयी हुए हैं। हम डॉक्टर मदन मोहन झा जे बिहार विधान परिषदक लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वर के शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य राखब एवं जय पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं केदारनाथ पांडे, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस समारोह में शपथ के दौरान न तो हॉल में और न ही मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, जो कोरोना काल में सबसे अहम था। पटना से लाइव इंडिया के लिए हीरा लाल की रिपोर्ट।